हेलो, दिस इज जूही शुक्ला एंड मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि पीएचडी इंटरव्यू के टाइम पे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो मैं यहाँ पे आज एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो वहाँ पे क्या था क्या नहीं था। ये पूरी वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी प्लस सम प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑल्सो। मैंने अपना एमफिल का डिसर्टेशन टाइम से सबमिट कर दिया था, उसके बाद मेरे पास एक अच्छा खासा टाइम था जिसमें मैं अपनी यूनिवर्सिटी देख सकूं कि मुझे कहाँ पे पीएचडी करनी है। देखिए, पीएचडी एक ऐसा कोर्स है जिससे करने से पहले आप कहाँ से करने जा रहे हैं, किसके साथ करने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में पूरी डिटेल अच्छे से पता होनी चाहिए। मुझे पीएचडी कहाँ से करनी है, तो मैंने सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में हर जगह वैकेंसीज चेक करना शुरू कर दी थी कि कहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, कितनी सीटें हैं, चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें कि कहाँ पे कैसे कराई जाती है, सारी चीज़ें मैंने अपना नोट करना मैंने शुरू कर दिया। फर्स्टली मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाई कि कहाँ से मुझे पीएचडी करनी है, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, सारी चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद मैंने वहाँ पे अप्लाई किया एंड देन चीज़ें अप्रूव्ड हुई और मुझे वहाँ से कॉल आया कि आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। तो मैं इंटरव्यू के लिए गई। मैं फर्स्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैंने पंजाब में पहला इंटरव्यू दिया था। फर्स्टली डिपार्टमेंट की तरफ से मेल आता है कि आपको वहाँ पे इस डेट में जाना है और इस डेट में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे प्रेजेंट होना होता है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, चीज़ें मतलब चेक की उन्होंने कि क्या है कैसे है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पास एमफिल का भी रिजल्ट नहीं था। एमफिल के थ्रू मुझे वहाँ पे एग्जम्पशन मिला था, सो मैं उसके बेस पे वहाँ पे एग्जाम देने गई थी। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए। वहाँ पे बाद में उन लोगों ने पूछा कि आपके पास अभी एमफिल का रिजल्ट नहीं है, मतलब कि फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट तो मेरे पास था लेकिन जो मेन डिग्री होती है वो अभी आई नहीं थी, क्योंकि जस्ट मैंने डिसर्टेशन सबमिट की थी तो वो 6 महीने बाद ही मिलने वाली थी। एंड एक प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने बोला था कि आपको 15 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो पीडी में उन्होंने सॉफ्ट कॉपी में मांगा था, तो वो भी मैंने प्रोवाइड किया। वहाँ पे इंटरव्यू के लिए मुश्किल से 7-8 स्टूडेंट्स आए हुए थे, ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, काफ़ी कम स्टूडेंट्स थे, क्योंकि सीट वैकेंसी ही नहीं थी वहाँ पे, वैकेंसी ओनली बहुत कम, वैकेंसी ही कम थी काफ़ी, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम बच्चे आए थे। वहाँ का एग्जाम काफ़ी बच्चों ने दिया था, अप्रॉक्स 200-300 स्टूडेंट्स ने दिया था, लेकिन वहाँ पे मुश्किल से 3-4 बच्चे ही क्वालिफाई थे, तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स वहाँ पे आए हुए थे। इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, फर्स्टली उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, चीज़ें उन्होंने देखी कि आपने आपका एकेडमिक क्या है, सब कुछ चीज़ें उन्होंने देखी, लेकिन एकेडमिक नॉलेज से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपका मेन फोकस जो होता है वो रिसर्च प्रपोजल ही होता है कि आपने जो चीज़ें करी हैं वो रिसर्च प्रपोजल में आप करना क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। एमएससी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था कि आपने एमएससी में प्रोजेक्ट में क्या किया है, प्लस एमफिल के डिसर्टेशन में क्या किया है, देन मैंने अपनी चीज़ें बताई। आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कैसे आया है, आपने जो भी काम किया है, जो भी डेटा लिया है कहाँ से लिया है, आपने ऑथर्स जो लिए हैं कहाँ से लिए हैं, आपने कौन से पेपर के रेफरेंसेस दिए हैं, क्या नहीं दिए, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए कि आपने क्या काम किया है अपने एमफिल में या फिर अपने एमएससी के प्रोजेक्ट में। अपने रिसर्च प्रपोजल में जो आपने टॉपिक दिया है उस पर उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया कि आप इसमें क्या काम करना चाहते हैं। जो मुझे ठीक लगा वो मैंने बताया कि मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं। जो मैंने एमफिल का उन्होंने डिसर्टेशन पूछा कि एमफिल के डिसर्टेशन पे आपने कहाँ से काम किया है, कैसे काम किया है, थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, या सारी चीज़ें डीपली उन्होंने पूछी कि आपने कैसे काम किया है। तो जो आपको आपने जैसे किया है, अगर आपने किया है तो आप डेफिनेटली आप अच्छे से बताएंगे उस चीज़ को, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस ये है कि आपने जो चीज़ जहाँ से की है आपको एग्जैक्ट बतानी होती है, क्योंकि जो सामने पैनल मेंबर होता है उनको सब कुछ पता होता है कि आपने क्या चीज़ कहाँ से की है। वो जो भी पेज खोल देंगे उसके बारे में उनको पूरी अच्छी खासी नॉलेज होती है। इस फील्ड में उन्हें नॉलेज नहीं होगी तो किससे होगी। आप बिल्कुल ही लॉयल रहिए अपने को लेके कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी बता रहे हैं, आपके मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं। ऐसा अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है, आप बोल सकते हैं कि सर सॉरी, आपने डेटा कहाँ से लिया है, या अगर आपने कोई डायग्राम बनाया है या फिर मैटलैब के थ्रू या किसी के भी थ्रू, तो वो उस चीज़ में थोड़ा बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज है, क्योंकि उन्हें मेन ये होता है कि उन्हें ये देखना होता है कि ये बंदे के अंदर कितना पेशेंस है, ये कितना अच्छे से काम कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि थोड़े टाइम में काम करेगा, उसके बाद अगर इसने काम नहीं किया, उसने स्किप कर दिया या छोड़ दिया तो क्या होगा। तो वो ये पूरा चीज़ें चेक करते हैं कि आपके अंदर आपका पेशेंस लेवल क्या है, आप कब तक काम कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपकी पीएचडी एक्सटेंड हो गई तो आपको परेशानी होने लगे या कोई बात हो जाए, तो इसलिए वो आपका पूरा पेशेंस लेवल चेक करते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस लेवल है और आप काम को कितना सीरियस लेते हैं, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना पेशेंस है, वो पूरा अच्छे से चेक करते हैं। रिसर्च टॉपिक के बाद फिर मुझसे सब्जेक्ट इंटरेस्ट पूछा गया,
तो सब्जेक्ट इंटरेस्ट में मैंने फिर अपना सब्जेक्ट बताया कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने दो तीन क्वेश्चन पूछे, दो तीन क्वेश्चन जितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे मैंने आंसर किए, और नहीं आया तो उसके लिए मैंने सॉरी बोला। उन्होंने मुझसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा, प्रेजेंटेशन में वो लोग आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आप कितने अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जो चीज़ें बनाई हैं वो बिल्कुल ही परफेक्ट है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ वो देखना ये चाहते हैं कि आप चीज़ें कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप अगर फ्यूचर में आपको काम उनके साथ करना है तो आप अपनी चीज़ें कितने अच्छे से बता पाएंगे, कितने अच्छे से लोगों को समझा पाएंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो उनका मेन पर्पस यही होता है प्रेजेंटेशन लेने का, कि वो आपके स्किल्स को देखना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोफेसर ये नहीं चाहता है कि कोई स्टूडेंट्स हमारे साथ आए और उसको हर चीज़ें बीसीडी मेरे को ही सिखानी पड़े, तो इसलिए वो पहले से ही पूरी कोशिश करता है कि मैं चीज़ों को ठीक से देख लूँ। फर्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत सारा, आप बहुत ही परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता रहे हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कितना बता रहे हैं, आपका हैंडल करने का तरीका क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से चेक की जाती हैं वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे डिजर्टेशन पे पूछे गए थे कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है, डिजर्टेशन की है, उसमें आपने कैसे काम किया है, किस तरीके से किया है, क्या मेथड रहा है आपका काम करने का। सेकेंडली मेरा जो रिसर्च प्रपोजल था उसके ऊपर पूछा गया था, अपनी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बस उसके सिवा आपको कुछ खास नहीं चाहिए होता है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि हम चीज़ें सीखने आ रहे हैं, हमको सिखाने तो जानी नहीं कि हमको हर चीज़ परफेक्ट पता होगी। सो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप चीज़ों में नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ जो भी आप बोलें, आप जो भी आपके मन से वर्ड्स निकलेंगे वो आप वहाँ पे उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दें। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं तो ये कुछ भी मत बोलिए, अगर नहीं आता है तो ठीक है मत बोलिए, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, लेकिन गलत मत बताइए, और एक्स्ट्रा नॉलेज बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं होती है वहाँ पे, क्योंकि सामने वाले के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा वो स्टूडेंट्स को देख के समझ जाता है कि इसकी क्या कंडीशन है। तो मेन आपको है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपने जो प्रीवियसली पढ़ाई की है, या फिर आपने जो प्रोजेक्ट किया है, या फिर आपने जो एमफिल में अपना डिजर्टेशन किया है, या फिर एमएससी में आपने जो प्रोजेक्ट किया है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाएं कि आपने क्या किया है, कैसे किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आगे की चीज़ें किसी को नहीं पता होती है, लेकिन आपको पीछे की चीज़ें आनी चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना कोई भी बड़ी बात नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करते हैं एंड देन आपको वो आराम से आपका एडमिशन ले लेते हैं, आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपको मना नहीं करते हैं कि आपको पीएचडी कराएंगे कि नहीं कराएंगे, आप अपना देखिए, आपके पास पूरा ऑप्शन होता है कि आपको वहाँ से करनी है कि नहीं करनी है, उनको फीस लेनी है वो आपको क्यों मना करेंगे। अगर आपको पीएचडी करनी है तो फिर आप गवर्नमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि आप आराम से वहाँ पे कर लेते हैं बिना किसी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल के। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।